टेस्ट एंड ब्यूटी विद जोसरा में आपका स्वागत है। हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। इसके लिए हम ले लेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। प्याज, अदरक और लहसुन को हमने लंबा लंबा काट लिया है और तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने पे इसको डालेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहें। प्याज जब थोड़ी सी नरम हो जाए, हल्की सी भुन जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये टमाटर हमने काट के, टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। टमाटर जब थोड़े से पक जाए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे टोमेटो सॉस और थोड़ा सा डालेंगे वाइट विनेगर। थोड़ा सा हम डालेंगे रेड चिली सॉस। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच मलाई या दो चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये ठंडा होने के बाद अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद अब हमारी ये टॉपिंग तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं बॉटल में भर के, 8-10 दिन तक खराब नहीं होगा। और इसमें उसको आप ब्रेड में लगा लें, रोटी में लगा लें या पराठे में लगाकर खा सकते हैं और टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे रोटी में लगा के, जल्दी है, सब्जी नहीं बन पा रही तो इसको टॉपिंग को लगा के रोल करके रोटी में रख दीजिए। अब हमको तेल गरम कर लेना है और हमने प्याज काटी है, शिमला मिर्च, गाजर और पत्तों को भी इनको हल्का सा भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा सा तेज आंच में सेक कर, और हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस और थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली सॉस। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठा हमने पहले से सेक के रख लिया था, अब हम पराठे में ये टॉपिंग लगाएंगे। अच्छे से पूरे पराठे में ये टॉपिंग लगा देंगे। इसमें हमने जो सब्जियां थोड़ी सी पकाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे, गरम गरम ही डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चीज क्यूब को थोड़ा सा किस लेंगे। ये हमने इसमें डाला है चीज क्यूब किसा हुआ। आप चाहे तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और इसको फिर ऐसा रोल कर लेंगे। और इसको आप ऐसे ही टिफिन में रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमने गरम गरम सब्जी में ये चीज डाला था, ये चीज पिघल गया है और इसको आप कॉइल में लपेट के टिफिन में रख सकते हैं और गरम गरम या तो घर में खाइए। इस तरीके से इसको पैक कर लेंगे। इसमें बच्चे आसानी से खा सकते हैं टिफिन को, सीधे पकड़ेंगे पराठा और तोड़ के खा सकते हैं, उनको हाथ भी नहीं खराब होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को टिफिन में रखिए, और आपको पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक।